आरजेडी के प्रमुख और बिहार के जाने माने नेता लालू प्रसाद यादव के बेटे की शादी अब नजदीक आने वाली है, जिसके लिए उनके परिवार ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव की शादी का कार्ड छप चुका है, जिसके बाद अब तेज प्रताप जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। तेज प्रताप आरजेडी विधायक चंद्रिका राय की बड़ी बेटी ऐश्वर्या राय के साथ 12 मई को सात फेरे लेंगे। हाल ही में दोनों की पटना के एक होटल में सगाई भी हुई थी। तेज प्रताप के कार्ड पर शादी का पूरा ब्यौरा दिया गया है, जिसमें मेहंदी से लेकर फेरे और मेहमान के स्वागतों का समय लिखा गया है। कार्ड में लिखा गया है कि 11 मई दिन शुक्रवार को मटकोर और हल्दी कलश का कार्यक्रम होगा, उसके बाद 12 मई को शादी होनी है। लालू प्रसाद यादव की पत्नी और तेज प्रताप की मां के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड से बारात 12 मई को शाम 7 बजे प्रस्थान करेगी और शुभ विवाह रात्रि बेला में होगा। तेज प्रताप और ऐश्वर्या का विवाह दुल्हन के घर यानी कि उनके पिता चंद्रिका राय के सरकारी आवास 5 सर्कुलर रोड पर संपन्न होगा, लेकिन जयमाला और प्रीति भोज का कार्यक्रम खेल मैदान बिहार वेटनरी कॉलेज कैंपस में किया जाएगा। गौरतलब है कि शादी के कार्ड के एक कोने पर सबसे नीचे दर्शनाभिलाषी में तेज प्रताप यादव के भाई और लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव का नाम लिखा गया है। वहीं दूसरी ओर उनकी मां राबड़ी देवी और पिता लालू प्रसाद यादव का नाम भी लिखा गया है। इन नामों के साथ सभी के राजनीतिक कद के बारे में भी लिखा गया है। सगाई कार्यक्रम के मौके पर राबड़ी देवी ने कहा था कि सगाई बेहद ही निजी कार्यक्रम है, इसलिए ज्यादा लोगों को इसमें न्योता नहीं दिया गया था। अब देखना ये होगा कि लालू प्रसाद यादव के बेटी की शादी में कौन कौन शामिल होता है। तेज प्रताप के पिता लालू प्रसाद यादव फिलहाल चारा घोटाले के मामले में जेल में बंद है। संवाद 365 के लिए अमित कुसाई की रिपोर्ट।